हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो फैट लॉस के ऊपर है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मेरा वज़न बढ़ते जा रहा है, मुझे फ़ैट लॉस कैसे करना है। तो मुझे आप एडवाइस कीजिए कि फ़ैट लॉस कैसे हो। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और मैं ट्राई करूँगा कि मैं सभी चीज़ों को कवर करूँ। फ़ैट लॉस के लिए तीन चार रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहले तो फैट लॉस जो है वो करने के लिए आपको आपके जो हंगर पैंग्स है उसको पहले तो आपको कंट्रोल करना होगा। अब बहुत जन भूखे रहते हैं, दे स्टार्ट स्टार्विंग, तीन चार दिन में वो लोग 5-6 किलो वज़न कम कर लेते हैं, बट दैट इज़ जनरली वाटर वेट। उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाएगा, साथ में एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ करने से कम होते हैं। एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं, यानी हमारे बॉडी में नेचुरली पाया गया टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फैट लॉस को इंड्यूस करने के लिए। तो फैट लॉस को अगर आपको इंड्यूस करना है तो सबसे पहले आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो हमको नेचुरली बढ़ाने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उसमें गोक्षुरा, कपी कच्चू, अश्वगंधा मॉर्निंग में, ये सब की दो दो टैबलेट्स आपको लेनी होगी। हिमालया की आती है या बहुत सारी ब्रांड्स है जिसकी ये सब चीज़ें आती है। तो एक तो बात रही हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने की, दूसरी बात ये है कि आप आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप ट्रैवल करते हो गाड़ी से, आपका चलना कम है, तो आपको कम से कम आपके घर पे से जब आप निकलते हो और जब घर पे वापस आते हो तो आप लिफ्ट करना बंद यूज़ करते हैं, बंद करो, लिफ्ट को यूज़ करना ही बंद कर दो। आप चलना चालू करो, आप चढ़ना चालू करो। आपको अगर कम समय मिलता है वर्कआउट करने का, तो अगर मैं ये बताऊंगा कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार जिम में जाओ और हैवी वर्कआउट करो। वर्कआउट हैवी का मतलब ये नहीं कि आप आढ़ा तिरछा कुछ भी करो। फॉर्म एंड टेक्निक बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। आप जब हैवी वर्कआउट करोगे तो मसल मास टूटेगा, जब मसल टूटेगा तो उसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब कंपाउंड मूवमेंट्स यूज़ करोगे, अगर आपके पास कम समय है तो मैं तो बोलूँगा कि आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, मिलिट्री प्रेसेस, ये जो 4 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स है उसको आप वर्कआउट में एनुमरेट करें। यानी अगर हफ्ते में आपको 4 दिन मिल रहे हैं तो ये 4 अलग अलग दिन आप इस टाइप का वर्कआउट रूटीन करें कि जिसमें स्क्वाट्स आपका प्राइमरी हो। स्क्वाट्स में आप फ्री हैंड स्क्वाट्स कर सकते हैं या आप बारबेल स्क्वाट होता है जो स्मिथ मशीन से अटैच नहीं होता वो आप यूज़ करें, क्योंकि बैलेंसिंग करने में बॉडी को ज़्यादा मेहनत पड़ती है। स्मिथ मशीन जो है वो उसमें बैलेंसिंग आपको नहीं करना पड़ता। तो मैं मानता हूँ कि स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स मारना इतना अच्छा नहीं है जितना आप रियल में फ्री हैंड स्क्वाट करोगे, क्योंकि जो स्क्वाट का मोशन है वो स्मिथ मशीन का मोशन की अलाइनमेंट में नहीं आता। तो आपको स्क्वाट जो है वो फ्री स्क्वाट्स जो स्क्वाट रैक में या पावर केज में मारते हैं मारना पड़ेगा। मिलिट्री प्रेसेस और फ्लैट बेंच जो है, ये बेसिकली आपको मशीन मूवमेंट्स को कम से कम यूज़ करना है और आपके बॉडी में जितने मसल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो उसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए कंपाउंड मूवमेंट्स को आपको पहले लेना पड़ेगा। आपके पास किसी बॉडी बिल्डर या किसी फिटनेस एथलीट जितना समय तो है नहीं, आपका ये लाइफस्टाइल जो है उसको आप थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो वर्कआउट करके, बाकी आप इसका प्रोफेशन तो नहीं बना सकते, ये फैक्ट है।
तो आप इजीली जो कर सकते हो वो आप कीजिए, आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और ये जो मैंने बोला चारों चीज़, वो अलग अलग दिन को आप कीजिए। और एक मसल ग्रुप को एक बार आपने टारगेट किया हफ्ते में, तो उसको रिपेयर होने को पूरा हफ्ता निकल जाता है। उसको अच्छे से उसको टारगेट कीजिए। आप जब स्क्वाट मारेंगे तो 5-6 सेट मारिए 10-10 रेपिटेशन के, 12-12 रेपिटेशन के, और मूवमेंट में जर्क्स नहीं होने चाहिए, झटके नहीं होने चाहिए, एकदम फ्लूइडिक मूवमेंट होनी चाहिए, जिससे आपके जॉइंट्स पे कोई प्रेशर ना आए। जो भी प्रेशर आना है वो आपके मसल पे आना चाहिए, आपके जॉइंट्स पे नहीं। तो आप कंपाउंड मूवमेंट को यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट कर पाएंगे कम टाइम में। तो ये रीज़न था कंपाउंड मूवमेंट को यूज़ करने का। तो ये पहला पहलू हुआ कि आप वर्कआउट में ये करेंगे। दूसरी बात, जब आप वर्कआउट करेंगे तो अगर आप फ्लैट फुटेड नहीं हैं, अगर आपको फ्लैट फुट है तो अलग बात है, अगर आप फ्लैट फुटेड नहीं है तो आप कम से कम जिम में नंगे पांव वर्कआउट कीजिए। नंगे पांव आप चलेंगे तो आपके पैर के सोल में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और जिससे फ़ायदा होता है लॉन्ग रन में, उससे फ़ायदा होता है। आप जहाँ पे भी जूतों का यूज़ ना करना पड़े वहाँ पे आप जूतों को यूज़ ना करें। आप ट्राई करें कि आप नंगे पांव चलें जितना हो सके उतना। फिर रही बात आपकी लाइफस्टाइल की, जिसमें आप खाना जो खाते हैं वहाँ पे आपकी जो चॉइसेस है वो भी मैटर करती है कि आपको भूख जल्दी लगेगी या नहीं लगेगी। अब जो भी खाना है जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जितना जल्दी कोई खाना आपके आप डाइजेस्ट कर लेंगे और जिससे कार्ब्स टूट करके आपके बॉडी का ग्लूकोस लेवल जो भी पदार्थ बढ़ाएंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जो पेट में ज़्यादा देर रहेगा और धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोस लेवल को धीरे धीरे रिलीज करेगा, वो पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो आपको हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड अलग अलग टाइम पे लेना है। जैसे वर्कआउट ख़त्म करके आपको ग्लूकोज लेना है 20 ग्राम, बहुत ज़रूरी है। फिर वो फैट लॉस भी कर रहे हो तो भी आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्लूकोज नहीं लिया तो आप जो उसके बाद वे प्रोटीन को यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि जब आपने वे प्रोटीन पिया और वो डाइजेस्ट होके जब अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड में जाएंगे तो प्रोटीन जो मसल है वो हमारे बॉडी की लग्जरी है। तो मसल को ग्रोथ करने से ज़्यादा वो हमारे वेलबींग का सोचेगी। अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स लो हैं तो वो जो अमाइनो एसिड है वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में परिवर्तित, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगे। उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। देखिए मैं ये लेमैन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ, मैं भी एक लेमैन हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट ग्लूकोज वर्कआउट के बाद डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। और वर्कआउट आपका जैसे ही ख़त्म होता है आप ग्लूकोज लीजिए और तुरंत आप वे प्रोटीन पीजिए। और ड्यूरिंग वर्कआउट आप BCAA और ग्लूटामाइन को यूज़ कर सकते हैं। प्री वर्कआउट आप बीटा अलनाइन को, टोरीन, ये सब को यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने में और नाइट्रोजन रिटेंशन में बहुत साथ देता है। ये सभी चीज़ कंबाइंड रूप से आपको टारगेट करेगी। जितना आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना मसल प्रिजर्वेशन बढ़ेगा, और मसल जितने होंगे उतनी एनर्जी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी आपके मसल को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपका हाई मसल मास होने के कारण आपकी जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो ही बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आपके घर पर बहुत ज़्यादा बल्ब्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी। अगर आपके घर पर एक ही बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। और जब आप भूखे रहते हो तो क्या होता है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिक शटडाउन हो जाता है, वो उतनी ही चीज़ों को चालू रखता है। जैसे आपको अगर बिल कम करना है लाइट का तो क्या करेंगे आप सिर्फ एक बल्ब चालू रखोगे, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी इतनी ऑटोमेटिक है, यानी दुनिया का सबसे बेस्ट मशीन है ये, बहुत इंटेलिजेंट है हमारा बॉडी।
तो अगर हम स्टार्वेशन पे रहेंगे तो हमारे सभी ट्यूबलाइट और सभी बल्ब नहीं जलेंगे, जिससे कारण हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। देखिए, मैं को समझाने नहीं आता बराबर से, मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आई होप आप समझें, बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको बराबर मैं क्या बताना चाहता हूँ, बट आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमेशा हाई होना चाहिए। उसके लिए आपको क्लोज्ड इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको छोटा छोटा खाना खाना है, ठीक है। बॉडी को चूतिया बनाना है, ट्रिक करना है बॉडी को कि भाई मैं तो बहुत खा रहा हूँ, ओके। और आपकी कैलोरीज जो है उसका टोटल जो है वो 2000 कैलोरी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रही बात, आप एक दिन में छोटे बच्चे से बड़े इंसान तो बने नहीं हो, तो ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के डाल लो कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, मगर ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा तकलीफें ना क्रिएट करें। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? बैलेंस डाइट आपका रखना है, जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा देना है। प्रोटीन कब लेना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स कब लेना वो भी इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स आप सुबह को जब आप उठते हो उस समय आपको ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकिंग द फास्ट, बॉडी जब फास्टेड स्टेट में होती है तो कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहली चीज़ क्या जानी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उस समय बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बॉडी का हमारे जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल होता है वो डाउन होता है, और ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा अप करने के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट सोर्स है। देखिए, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे डेफिनेटली आपको फैट लॉस मिलेगा। मैं वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फैट लॉस की बात कर रहा हूँ। तो आप ये आप हो सकता है कुछ दिनों तक आपको लगे कि ओहो मेरा तो वज़न बढ़ गया, तो खुश भी मत होइए और ज़्यादा दुखी भी मत होइए। खुश इसलिए मत होइए आप ऐसा सोचेंगे ओहो मेरा तो मसल मास बढ़ गया। देखो, आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है जब आप कसरत करोगे, वर्कआउट करोगे, तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो आपकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो समझ जाओ कि आपका मसल मास बढ़ते जा रहा है। तो ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आपको समझो 10 से 15 किलो अगर वज़न घटाना है तो उसका बेस्ट टाइम जो है, बेस्ट टाइम फ्रेम मुझे लगता है 10 से 15 किलो घटाने में हर महीने का आप 1.5 किलो वज़न फैट आप लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 1.5 किलो, 1 किलो भी बहुत हो गया। 1 किलो फैट लॉस, 12 महीने लगेंगे आपको 12 किलो फैट लॉस करने के लिए, जिसमें आप रियल में खूबसूरत हैंडसम दिखोगे। और ये प्रॉपर तरीका है, क्योंकि आपके बॉडी को कहीं पे भी अडाप्ट नहीं करना पड़ेगा, वो नेचुरल लगेगा। और जो फूड की लाइफस्टाइल है, जैसे सुबह उठ के आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप केसीन यूज़ करो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग वाइट्स यूज़ कर सकते हो। इसमें विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फैट लॉस चाहिए तो विटामिन्स के अंदर आपको बीकॉस्यूल्स एक ब्रांड है, बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ विटामिन ई, फिर फॉलिक एसिड, कैल्शियम। कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रोटीन लोगे, प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। तो अमाइनो एसिड्स यानी ये जो है ये ब्लीच कर देगा हमारे बोन को अगर हमने एक मात्रा से ज़्यादा लिया तो। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बोन डेंसिटी घटेगी। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी को आपको नहीं घटाना है और साथ में ये प्रोटीन भी लेना है, हालांकि वो कोई भी प्रोटीन हो, चिकन में भी प्रोटीन होता है, जब भी आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो आपका बोन डेंसिटी कम होने का चांस है, क्योंकि प्रोटीन जो मिनरल्स और जो कैल्शियम है उसको ब्लीच करता है, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप प्रोटीन लेते हो ज़्यादा, तो आपको अपने आप को सप्लीमेंट करना पड़ेगा कैल्शियम से, और आपको आपका विटामिन D3 का भी टेस्ट लेना पड़ेगा ब्लड टेस्ट के, कहीं आपको विटामिन डी की ब्लड डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर पाया गया है मोटे लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी इसलिए होती है क्योंकि मोटा आदमी साला सुबह को तो उठता नहीं है, सुबह को उठने के बाद उसको जो अर्ली ऑरेंज सन होता है उसका वो लाइट उसके बदन पे आता नहीं है, जिससे उसके बॉडी में कॉलकैल्सिफेरॉल बने यानी D3 बने। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप विटामिन डी का भी टेस्ट करा लोगे बॉडी में डी कितना है, अगर नहीं है तो हफ्ते में एक सैचेट विटामिन डी का ले लो,
60,000 आयु का, आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 आयु का नॉर्मल सैचेट आता है, बहुत कोई महंगा नहीं है, सस्ता है, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है आप, लेकिन D3 लेवल चेक करके लेना, ऐसी आंख बंद करके मत ले लेना, तो उससे कैल्शियम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम ऑक्सालेट ना बढ़े बॉडी में, बॉडी में ऑक्सालिक एसिड को कम करने के लिए विटामिन सी एक काम की चीज़ है, तो वो दिन में 1500 से 2000 mg लेनी पड़ेगी। तो साथ में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, क्या उसका कुछ सब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट वो विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है, दिन की एक गोली। ये सभी चीज़ें, विटामिन ई मैंने बोला 400 मिलीग्राम तक इनफ है, लोग 800-800 लेते हैं, बट वो एक अलग क्लाइमेट है जहाँ पे वो 800 लेते हैं, जब वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट में है, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, नेचुरली आपको इतना बहुत हो जाता है। उसके बाद एक क्या बोलते हैं उसको, फेनुग्रीक के जो दाने होते हैं, मेथी के दाने, वो भी बहुत काम के हैं। ये सब आप अगर उसका सेवन करोगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे। अब साथ ही साथ आपको आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स को भी कम करना है, तो आपका ब्लड टेस्ट में आप फैट लॉस का जो ये युद्ध है, संग्राम है, उसको जब आप चालू करेंगे, उससे पहले आप ये ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी चेक करा लो आपके, और उसके साथ आपके E2 के भी लेवल्स चेक करा लो। तो ये जो लेवल्स आप चेक करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपके ईस्ट्रोजन ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि देखो ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा है तो ईस्ट्रोजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फैट दैट यू कैरी इन योर बॉडी। अब औरतों को कितनी भी स्लिम ट्रिम हो, उनकी फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है ना, तो ईस्ट्रोजन एक फेमिनाइन हार्मोन है, तो ईस्ट्रोजन को कम कैसे किया जाए उसकी भी तरीका है। तो ये सभी चीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम करेंगे तो अपने को फैट लॉस होगा। अब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर में, जिससे ईस्ट्रोजन को ब्लॉक किया जाता है, उसको ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स बोलते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो अरोमाटेज इनहिबिटर्स होते हैं। वो अरोमाटेज जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन जो हमारी बॉडी में उसको ईस्ट्रोजन में जो परिवर्तित करता है, तो उसको अरोमाटेज बोलते हैं, तो वो अरोमाटेज को ही इनहिबिट कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि अरोमाटेज नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन का परिवर्तन होगा ही नहीं। उसके बाद हमारे जो अंडकोश है जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम तेज़ी से करे इसके लिए फर्टिलिटी के ड्रग्स होते हैं जो आप लें, तो उससे ये प्रोसेस फैट लॉस का थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फिर एपेटाइट सप्रेसेंस होते हैं जो आप लें तो आपको भूख कम लगेगी, ये जनरली बॉडी के सेराटोनिन के साथ खेलते हैं, तो ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स जो हैं वो जो लीगल हैं, लीगल एपेटाइट सप्रेसेंट्स, ये बहुत काम के हैं। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, पहले आप कम से कम 5-6 किलो अपना घटाओ नेचुरली, उसके बाद वो चीज़ में जाओ, बिकॉज क्या सबको ईजी वे चाहिए, और भाई साहब घर पर बैठ के वीडियो गेम और पबजी खेलने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा मोटापा जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो भाई कम नहीं होगा मोटापा, क्योंकि आप जितना ब्रेन को शुगर रिक्वायर्ड है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा ब्रेन को रिक्वायर्ड है, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा। अब ड्रॉप होगा तो आपको क्रेविंग्स होंगे, क्रेविंग्स होगा तो आप खाओगे दबा के। अब आपके माइंड को ज़्यादा तकलीफ अगर आप नहीं देंगे, धंधा है तो अलग बात है, अगर आप बेवजह की बेफिजूल की जैसे वॉचिंग टीवी, जहाँ पे आपको आपका दिमाग को चलाना पड़े, वॉचिंग प्लेइंग वीडियो गेम्स, अक्सर पाया गया है वीडियो गेमर्स जो हैं उनका वज़न बढ़ता है, क्योंकि उनके बॉडी में फैट परसेंटेज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डाउन होता है, स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो मसल मास टूटेगा, मसल गिरेगा तो हमारे लाइट के बल्ब घर पे कम हो जाएंगे, तो कम इलेक्ट्रिसिटी में घर जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम जलेगी तो बिल भी कम आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है वीडियो गेम खेलने से इनडायरेक्टली। तो आपको एपेटाइट सप्रेसेंट में आज के डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर में जो लीगल, वो आप बाद में ले सकते हैं कि जिससे आपकी एपेटाइट पे आपका कंट्रोल रहे। मगर
आप ये भी चेक कराएं कि आपके एच बी ए वन सी का क्या पोजीशन है, जो ए वन सेल्स होते हैं जो ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट, ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट जो भी वो आप कराओ, एच बी ए वन सी के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो आपका 6 के नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 6 के थोड़ा सा ऊपर है तो आप मेटफॉर्मिन खाना चालू करो, दिन में 1500 mg या 1000 mg जो भी है। मेटफॉर्मिन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा पाया गया है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, बादाम पिस्ता जो है बहुत काम की चीज़ है, अखरोट काम की चीज़ है, दिन में सब मिला के 100 ग्राम, क्योंकि इसमें से आपको जिंक मिलेगा, जिंक भी बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके वेलबींग के लिए। ये सब इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। जो भी फैट्स है जिसमें HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ HDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसके दो काम होते हैं, एक काम होता है रिपेयरिंग करना हमारे जो नसें हैं उसका, आर्टरीज और वेंस का, दूसरा जो काम है वो है टेस्टोस्टेरोन बनाना, इट इज़ अ प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रीकर्सर। तो HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाएं तो बादाम पिस्ता खाओ, लेकिन वर्कआउट करो। देखो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप वर्कआउट करोगे और वर्कआउट करने के बाद आपके जब मसल टूटेंगे तभी ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट होगा, तो ग्रोथ हार्मोन भी एक ज़रूरी चीज़ है, एंडोजेनसली जब बने तब, ऐसे नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको एपेटाइट सप्रेसेंट से लेके ये से लेके वो से लेके ये सब कुछ है, पूरी आर्मी रेडी करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको टाइम टू टाइम गोलियां खानी है विटामिन की, क्योंकि विटामिन की कमी होने के बहुत चांसेस हैं। कोको कोला बंद कर दो, डाइट कोक भी बंद कर दो, नमक नमकीन चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें कम कर दो। ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से क्या होता है कि भूख बहुत लगती है, क्या होता है बोलते हैं एपेटाइज़र, आपको अगर नाम सुना होगा याद है एपेटाइज़र, जलजीरा पियो, अरे जलजीरा पी के गांठ फट जाएगी, बहुत भूख लगेगी, मत पियो जलजीरा। अगर आपको दुबला होना है जलजीरा मत पियो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिवर को स्टिमुलेट करे और बाइल जूस ज़्यादा सिक्रीट करे, ऐसी चीज़ें मत लो। साथ में आप थोड़ा सा सोडा का सेवन करो, सोडा एपेटाइट सप्रेसेंट है नेचुरल, आपके बॉडी को एसिडिक स्टेट से वो थोड़ा पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, अपना बॉडी का पीएच लेवल बढ़ जाएगा, तो बॉडी अल्कलाइन स्टेट पे थोड़ी रहेगी ना, अल्कलाइन नहीं बट एटलीस्ट उसका पीएच जो बॉडी का 6 होता है वो उसकी जगह थोड़ा 7 तक हो जाए तो उससे भी फ़ायदा होगा। पीएच ज़्यादा होने से भी हमारा फैट लॉस होता है। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, और कसम से ये सब सिनर्जेटिकली फैट लॉस देते हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। बाकी लिफ्ट यूज़ करना बंद करो, और अगर आप 14th फ्लोर में रह रहे हो कि वहाँ का 14वें माले से जब आप घर से काम करके थक के आए और ऊपर 14 फ्लोर चढ़ोगे, ट्रस्ट मी आपको ज़बरदस्त फैट लॉस होगा। और खाने के अंदर जो वेफर चिप्स, नो वन कैन ईट जस्ट वन वाली आइटम्स, नहीं वो सब नहीं खानी है, वो मत खाओ, पेट भर के दूसरा कुछ खाओ, कुछ अच्छा खाओ। मसालेदार अवॉइड कीजिए थोड़े दिन के लिए, न्यूट्रिशन दीजिए, न्यूट्रिएंट्स दीजिए बॉडी को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से वंचित मत रखिए, मगर मसालेदार जिससे एपेटाइज़र मत खाइए। एपेटाइट सप्रेसेंट यानी भूख कम लगने की दवा लेने के बदले एपेटाइज़र्स को मत खाइए। ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नमक आप जब खाओगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, फिर ज़्यादा मूतोगे तो अंदर मिनरल्स चले जाएंगे मूत में से, अब उसको ज़्यादा भरने के लिए वापस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वापस सिग्नल्स जाएंगे कि भाई भूख लगी है, ठीक है। बॉडी के हमारे पेट के अंदर ग्रेलिन नाम का एक पदार्थ बनता है तो भूख लगती है, उसके बाद जब हम खाते हैं खाना खाने का तो एक लेप्टिन नाम का एक कीड़ा होता है, वो भी एक पदार्थ होता है जो जिसको वो सिग्नल देगा कि नहीं भाई अब इसने पेट भर के गांठ फट के खा लिया है, अब भूख मिट गई है, ओके फीलिंग गुड वाला काम। तो भूख लगे ना उससे पहले ही खाना खा लिया करो भाई साहब, उससे आपको वो जो राक्षस जैसी भूख जो है ना वो नहीं लगेगी, ठीक है। आपको बस भूख लगने मत दो, ग्रेलिन को निकलने मत दो, क्योंकि वो आपको पागल कर देगा, पागल हाथी बना देगा, आप खाओगे कुत्ते की तरह, ठीक है, मत करो ऐसा।
तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो, प्रॉपर राइट इंटरवल्स पे खा लो, या मिलिट्री रूल की तरह नहीं ऑफ कोर्स आपको, बट जब सुबह का ब्रेकफास्ट है वहाँ पे आपने जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्वीट पटेटो या वो रवा का उपमा या वॉट एवर जो भी आपने खाया वो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमकीन चीज़ें मत खाओ, नमक को यूज़ करो खाने में मगर फुल मसालेदार, चाट मसाला, ये मसाला, आमचूर पाउडर नहीं भाई साहब, ये सब आपकी एपिटाइट की माँ बहन कर डालेगा, बहुत बहुत भूख पैदा करेगा। तो लोग बोलते हैं भाई मैं तो सिर्फ एक दही बटाटा पूरी खाया, चटपटा चाट खाया, भाई वो चाट खाने के बाद जो बॉडी हिली है ना अंदर से, वो मसालों के वजह से है, वो उतनी कैलोरी की वजह से नहीं है। आप समझे कि मैं तो छाछ में थोड़ा सा जीरा डाल के खाता हूँ, अरे भाई वो जीरा आपको इतना भूखा करेगा कि पूछो मत, क्योंकि ये सब एपेटाइजर्स हैं। तो एपेटाइट सप्रेसेंट लेने के पहले आप ये समझो कि एपेटाइजर्स आपको नहीं लेने। तो और तीसरी एस्पेक्ट जो है, आप थोड़ा सा चलें, जहाँ पे हो सके वहाँ पे चल के जाएं, पसीना निकलता हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, अच्छे कपड़े पहनकर काम करने जाना है तो काम करके रिटर्न आते समय कपड़ों की वाट लगा दो, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप आपके पैरों को यूज़ कर सको पैरों को यूज़ करो, हिलते डुलते रहो, यहाँ से वहाँ चलते रहो। आप समझे क्या, यानी अभी जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते बनाते ऐसे ऐसे चलते चलते वीडियो बनाना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या है कि चलते चलते जब हम वीडियो बनाएंगे ना तो मेरा भी फैट लॉस होगा। तो बेसिकली सॉरी बट मैं मेरा ये इंटेंशन ये था कहने का कि फैट लॉस करने के लिए एपेटाइट सप्रेसेंट्स से ज़्यादा पहले एपेटाइजर्स जो है वो लेना बंद करो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तीनों के तीनों लो, साथ में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लो। एक और चीज़ है शिलाजीत, शिलाजीत जब आप लोगे ना तो शिलाजीत बहुत काम की चीज़ है, उसको बोलते हैं फुलविक एसिड। तो डाबर का शिलाजीत मैंने लिया है, अच्छा है, दिन की 3 गोली खाता था। शिलाजीत लेने से भी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, बॉडी जो है वो क्या बोलते हैं उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है हमारे शिलाजीत की। तो इसके लिए